Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel that is Unique Maza. Dua is here and I hope के आप सब अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक होंगे. तो आज मैं बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. तो इस डिश का नाम है डोसा. बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी मेथड्स है इसमें प्रिपेयर करने के लिए और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहेंगी. तो हम यहाँ पे दो प्रोसेस करेंगे. फर्स्ट प्रोसेस में हम पहले डोसा का बैटर प्रिपेयर कर लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस मीन्स दूसरा प्रोसेस जो है उसमें हम डोसा प्रिपेयर करेंगे. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम इसको इंग्रेडिएंट देख लें ताकि जो बैटर प्रिपेयर करेंगे ना डोसा का, तो इसलिए तो फर्स्ट हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं. तो इंग्रेडिएंट में मैंने पहला इंग्रेडिएंट लिया है डोसा राइस और ये 2 कप है और ये ग्राम में है 500 ग्राम. बेसिकली ग्रोसरी स्टोर में डोसा राइस अवेलेबल होते हैं तो इस कप से मैंने 2 कप ले लिया है. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे उड़द दाल है, ये है 1/2 कप और ये ग्राम में है 250 ग्राम. तो नेक्स्ट स्टेप पे तूर दाल और चना दाल है, ये दोनों 1/4 कप है और ग्राम में है 100 ग्राम. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे है पोहा और ये है 1/2 कप और ये ग्राम में है 200 ग्राम. तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ले लिया है साल्ट 1 टेबल स्पून. तो ये सारे जो पल्सेस ले लिया उसको 7 to 8 hours वाटर में सोक करके रख दें. तो आफ्टर 7 to 8 hours इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर ले, फाइन सा पेस्ट बना ले. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पल्सेस है वो 7 to 8 hours होने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, फाइन सा पेस्ट होता है वो. तो बैटर प्रिपेयर हो गया है तो इसको क्या है ओवरनाइट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे. इससे क्या होगा डोसा जो है बहुत ही माशाल्लाह से प्रिपेयर होंगे. तो ओवरनाइट रख लेंगे और उसका डोसा प्रिपेयर कर लेंगे. तो आप ओवरनाइट हो गया है, जस्ट डोसा बनाने से पहले ही एक 10-15 मिनट्स पहले ही साल्ट डाल दें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, उसके बाद डोसा प्रिपेयर कर लें. तो मैंने यहाँ पे डोसा पैन ले लिया है, उसको हीट होने के लिए रख दिया है पैन पे, सॉरी गैस पे. उसके बाद इस हीट होने के बाद जैसे हम डोसा प्रिपेयर करते हैं उसी तरह प्रिपेयर कर लें और 2 to 3 मिनट्स वेट करें. उसके बाद ऑयल जो होती है कुकिंग ऑयल वो 2 टीस्पून ग्रीस कर लें डोसा पे और 2 to 3 मिनट्स वेट करें ताकि जो डोसा है वो अच्छी तरह कुक हो जाना चाहिए. इसीलिए बस 2 to 3 मिनट्स से डोसा प्रिपेयर हो जाते हैं. ओके, तो उसके जो कॉर्नर्स है उसको अच्छी तरह सेपरेट कर ले पैन से ताकि सर्व करने के लिए आसान हो. उसके बाद आप चाहे तो उसका कोन का शेप देख सकते हैं या तो ऐसे जैसे मैं रोल कर रही हूँ उसी तरह पैन से निकाल के सर्व कर सकते हैं. ओके, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जो डोसा है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लग रही है और ये बहुत ही सॉफ्ट भी बने हैं. तो इसी तरह प्रोसेस ऑन रखें, कंटिन्यू करें, जितना हमने बैटर प्रिपेयर कर लिया था उतने पूरा डोसा प्रिपेयर कर लें. तो मेन पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं चना दाल और तूर दाल प्रिफर नहीं करते हैं. तो इसका जो एडवांटेजेस है वो बताऊंगी. तो पहले हम चना दाल यूज़ किया है तो चना दाल में क्या है जो डोसा का कलर है वो बहुत ही माशाल्लाह से आएगा और बहुत ही और नेक्स्ट यहाँ पे तूर दाल यूज़ किया है, इससे क्या होगा जो डोसा है वो क्रिस्पी हो जाएंगे. और नेक्स्ट यहाँ पे पोहा लिया था तो इससे क्या होगा जो डोसा है वो बहुत ही सॉफ्ट से रहेंगे. तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें. और बहुत सारे इजी वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है तो प्लीज़ जाके वो भी चेक कर लें, आई थिंक वो भी हेल्पफुल रहेगी आपको. तो इसी तरह डोसा जो है प्रिपेयर हो गया और इसके साइड डिश आलू का सालन और जो चटनी होती है वो सर्व कर लें. तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.